हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग और सीबीआईसी और सीबीएन के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जहां पर योग्यता 10th और 12th मांगी गई है। सैलरी यहां पर आपको जो है कितनी मिलेगी, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेकर सैलरी जो है वो 70,000 तक आपको यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल सरकारी नौकरी ही है यहाँ पर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह भी इतनी अधिक नहीं मांगी गई है। मोस्टली बच्चे 10th और 12th तो कर ही चुके होते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करते चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आउट हो रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट जॉब भी होती हैं और गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी होती ही है, लेकिन जहाँ पर बच्चे जो हैं मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत कर लेते हैं, लेकिन वैकेंसी का पता ही नहीं चल पाता है, तो सारी मेहनत जो है वो खराब चली जाती है, साथ में उनका एक साल जो है वह भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर अगर एप्लीकेशन की बात करें तो 21 जुलाई जो है वह लास्ट डेट है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए। यहाँ आपका सीबीटी मोड जो है एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। तो देखिए, भारत सरकार की तरफ से जो है यह आज़ादी का अमृत महोत्सव, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाएगा और जो कि ओपन हो चुके हैं 30 जून से, और 21 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। कोई भी नोटिफिकेशन होता है, पहले मैं उसको अच्छे से जो है देख लेती हूँ कि आपके लायक है या नहीं है। एप्लीकेशन की जो डेट है, क्या वो निकल तो नहीं गई है, तुरंत जो है वो वीडियो बनाने के बारे में सोचती हूँ कि तुरंत बच्चों को जो है वो पता चल जाए, क्योंकि जब डेट ही निकल जाती है फिर उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं है, नोटिफिकेशन का ना ही उस वीडियो का कोई फ़ायदा है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो है वह 21 जुलाई है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है ये। यहाँ पर एग्ज़ाम जो है कब होगा, तो एग्ज़ाम भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि सितंबर माह में होगा, सितंबर 2023 में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो है वो लड़की अप्लाई तो करते ही हैं, वुमेन कैंडिडेट जो है वह भी अप्लाई करती हैं। बिल्कुल बराबर जो है वो सरकार की तरफ से सभी बच्चे होते हैं, चाहे वह गर्ल्स हो चाहे वह बॉय हो। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है वो उनकी कोई भी फीस जो है वो नहीं लग रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एससी कैस्ट कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी है, तो सरकार की तरफ से इनको जो है आरक्षण मिलता ही है। इसके अलावा जो है वो एक्स सर्विस मैन हो गए, एक्स सर्विस मैन हो गए, ठीक है, वोमैन हो गई, किसी भी कैटेगरी की वोमैन हो, चाहे वह जनरल हो, एससी एसटी की हो, फीस जो है यहाँ पर नो फीस। ठीक है, फीस जो है वो आपकी नहीं लग रही है। और जब इन आरक्षित वर्ग को जो है यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वह एज में जो है वो आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा ही। ठीक है, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जो भी छूट होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी ही। पोस्ट जो है वह कितनी है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वैकेंसीज में, आप देख सकते हो पोस्ट एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ में सभी आ जाते हैं 1198 अप्रोक्स, यानी इससे अधिक भी है, इससे अधिक भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहती है। हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन में यहाँ पर 360 है, तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो एमटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे होते हैं, और भीड़ भी जो है वो एमटीएस में हमें दिखाई भी देती है। 1198 अप्रोक्स, यानी इससे अधिक जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जो है आप तैयारी जो है करके और एग्ज़ाम देने जाएँ अगर आपको यहाँ पर जॉब करनी है। रिजर्वेशन की अगर बात करें, तो रिजर्वेशन जो है वो सभी को मिलेगा जो भी आरक्षित वर्ग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन पर्सन है, पीडब्ल्यूबीडी है, इन सभी को जो है वो आरक्षण यहाँ पर मिलता है। इम्पॉर्टेंट बात जो कि आप देखते हैं कि एज जो है वो क्या मांगी गई है, तो एज जो है यहाँ पर मांगी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 25 साल जो है मांगी गई है एमटीएस और हवलदार। ठीक है,
और 18 से 27 साल जो है वो मांगी गई है यहाँ पर हवलदार इन सीबीआईसी। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो अलग अलग मांगी गई है। एमटीएस और हवलदार इन सीबीएन में मांगी गई है 18 से 25, और 18 से 27 वर्ष मांगी गई है हवलदार इन सीबीआईसी। ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का होता है, राजस्व यानी कि जो पैसों से संबंधित डिपार्टमेंट होता है वह होता है ये। ठीक है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखो, SC ST जो है वही 5 साल की छूट, 3 साल की छूट OBC को, 10 साल की PWBT को, एक्स सर्विस मैन को, ठीक है, सभी को जो है उसके आरक्षण का जो है वो फायदा मिल ही रहा है। महिलाओं के लिए जो है वो अलग से यहाँ पर आप देख सकते हो, विडो है, डिवोर्स्ड वोमेन है, क्योंकि मोस्टली जो है वो बच्चियां जो है वो पूछती हैं ये कि हमारा जो है वो आरक्षण है या नहीं है। तो 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म बिल्कुल भर पाओगे। ठीक है, SC ST अगर आप बिलोंग करती हैं तो आप 40 ईयर तक भर पाओगे। तो एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल ही रहा है। कई जो है उस स्टार्टिंग जो है वो वीडियो की जब चल रही होती है तो जब एज बताई जाती है कि 25 ईयर, 27 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, वहीं पर वीडियो देखकर स्टॉप कर देते हैं, जबकि फायदे की बात आप देखते ही नहीं, आगे चलकर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 35 साल तक आप भर पाएंगी। अगर आप SC ST कैटेगरी की हैं तो 40 साल तक जो अगर आपकी उम्र है तो आप भर पाएंगी। एक ही एग्जाम जो है वो आपका होगा, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सैलरी बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पर मिलेगी। तैयारी जो है वो अगर आप कर रही हैं या कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है वो फॉर्म भरा करिए। जहाँ भी आप एलिजिबल हैं बिल्कुल आपको फॉर्म भरना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो है वो आपने किसी भी जो है स्कूल से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई जो है वो कैसे करोगे, हाउ टू अप्लाई, तो ये जो है लिंक दिया हुआ है HTTPS, ठीक है, SSC.NIC.IN। जहाँ यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे इस साइट पर तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर पाओगे। तो ये देखिए ऑथेंटिक साइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ में टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर MTS एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लिक करना है और आगे जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का तो वह आप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।